8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद दौरा। आगामी 8 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गाजियाबाद से घरेलू उड़ान भरे जाने के लिए एयरपोर्ट और गाजियाबाद में मेट्रो का शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। रात और दिन हजारों की संख्या में कर्मचारी तैयारी में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैयारियों को लेकर नींद उड़ी हुई है। बहरहाल, किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और प्रधानमंत्री के आने की क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसकी जानकारी के लिए भी खुद गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और गाजियाबाद प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से भी रूबरू हुए। व्यवस्था योजना रचना किस प्रकार की है, इन सब का निरीक्षण करने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। विगत 56-57 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान या समाज के प्रत्येक तबके के हितों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना हो या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत के अंदर स्थापित करने का हो या फिर भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करके एक तरफ मोदी जी का रूप जो देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए मंगलकारी है, लोक कल्याणकारी है, ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दूसरी तरफ दुश्मन के घर में तांडवकारी भी है। दुश्मन को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, वह कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने विगत 56-57 महीनों के दौरान, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, चाहे वह पाक अधिकृत कश्मीर में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का हो या अभी हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी कैंपों को नष्ट करने का हो, भारत के शौर्य और भारत के पराक्रम को देश ने भी देखा है और दुनिया ने भी देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दोनों रूप इस देश के सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। स्वाभाविक रूप से विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के, निवेश के ढेर सारी प्रोजेक्ट को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 8 मार्च का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर है और खास तौर पर अगर मैं गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मेरठ दिल्ली के बीच रैपिड रेल 30,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी रखेंगे।